कृष्ण अपने रास के लिए जाने जाते थे, जीवन का रस। शिव ने, जो हिमालय क्षेत्र में रहते थे, जब ये सुना तो शिव ने नाविक की पत्नी के कपड़े उधार लिए और रास देखने गए। ये स्त्रीगुण की सबसे बड़ी तारीफ है। आज का दिन खास है, आज कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण के बारे में दुनिया में कई गलतफहमियां हैं, पर हमें यह समझना होगा कि उन्होंने 6 साल की उम्र तक ही मक्खन चुराया था, या शायद 8 साल की उम्र तक ही। 16 की उम्र में जब उनके गुरु संदीपनी ने उन्हें याद दिलाया कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, तो वो तुरंत वृंदावन से चले गए और कभी वापस नहीं आए। वो कभी भी अपने रिश्तेदारों या वहां की लड़कियों या लड़कों से मिलने उस इलाके में कभी नहीं गए, सब वहीं खत्म हो गया। 16 की उम्र में वो चले गए। जब वो जा रहे थे, आज राधे कृष्ण कहा जाता है, कृष्ण से पहले राधे आती हैं, क्योंकि उनका प्रेम, उनकी अंतरंगता और उनका रोमांस पूरे भारत की संस्कृति में, पूरे उपमहाद्वीप की संस्कृति में कुछ इस तरह समा गए कि हम कृष्ण राधे नहीं कहते, हम कहते हैं राधे कृष्ण। पर 16 साल की उम्र में कृष्ण ने राधे को आखिरी बार देखा, उसके बाद कभी नहीं देखा। 16 की उम्र में वो जाते समय बोले ये बांसुरी मैं तुम्हारे लिए बजाता था, अब मैं जा रहा हूं और वापस नहीं आऊंगा, तो एक भेंट के रूप में, तुम जो प्रेम से इतनी सराबोर हो, मैं ये बांसुरी तुम्हें दे रहा हूँ और मैं फिर कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। और उन्होंने फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। उसके बाद से राधा ने बांसुरी बजाई, 16 के बाद उन्होंने कभी बांसुरी नहीं बजाई। 16 से 21 तक वे ब्रह्मचारी बनकर रहे, उन्होंने संन्यास लिया, ब्रह्मचारी बने और जबरदस्त साधना की। इसके बाद उनका पूरा जीवन राजनीतिक प्रक्रिया और आध्यात्मिक प्रक्रिया का मिलन करवाने के लिए समर्पित था। ये बातें कभी बताई नहीं जाती कि भारत के उत्तरी मैदानों में उन्होंने 1000 से ज्यादा आश्रम बनाए, क्योंकि वो चाहते थे कि आध्यात्मिक प्रक्रिया एक अलग चीज ना रहे बल्कि जीवन का ही एक हिस्सा बन जाए, जैसे हम जीते हैं। यानी हमारा ध्यान करना उतना ही जरूरी है जितना हमारा सुबह ब्रश करना। वो चाहते थे कि आध्यात्मिक प्रक्रिया एक दिखावटी चीज ना हो बल्कि जीवन का एक अहम हिस्सा बन जाए, खास तौर से देश के उन सारे राजाओं के लिए जो तब अखंड भारत का एक हिस्सा होते थे। तो उन्होंने पूरी तरह से समर्पित और प्रतिबद्ध जीवन जिया। पर आमतौर पर लोग सोचते हैं कि उन्होंने बस मक्खन खाया, बांसुरी बजाई और लड़कियों के साथ नाचे। नहीं, उनका जीवन ऐसा नहीं था, पर यह भी एक जरूरी पहलू था। एक बड़ी सुंदर कहानी है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो मुझे यह कहानी सुनानी चाहिए। कृष्ण अपने रास के लिए जाने जाते थे। The word ras literally means juice. रास शब्द का मतलब है रस। ज्यादातर लोगों के जीवन में सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनमें रस नहीं है बल्कि हार्मोन है। उनमें जीवन का रस नहीं है, यानी जीवन ही नहीं है, जीवन की तीव्रता नहीं है। तो रास यानी जीवन का रस, शरीर का नहीं बल्कि जीवन का, क्योंकि शरीर के रस कम ज्यादा होते रहते हैं, वो समय समय पर बदलते रहते हैं। पर वो बात कर रहे हैं जीवन के रस की। तो पूर्णिमा की रात के नृत्य को रास कहते थे, क्योंकि वो जीवन के रस से भरा हुआ होता था। This is not a hormonal party in the night. वो रात की हार्मोनल पार्टी नहीं होती थी, न तो वो शराबियों की पार्टी थी, वो कामुक लोगों की पार्टी नहीं थी, ये उनकी पार्टी होती थी जो जीवन के आनंद से भरपूर थे। तो उसे रास कहा जाता था। ये रास मशहूर हो गया।
जिन्होंने उनमें हिस्सा लिया या देखा, उनकी वजह से रास की बातें फैलने लगी। शिव ने, जो हिमालय क्षेत्र में रहते थे, इसके बारे में सुना कि यमुना के तटों पर कुछ अद्भुत हो रहा है, तो वो देखना चाहते थे, क्योंकि वो रास करने वालों में से नहीं है, वो तांडव करते हैं। आंखें बंद हों तो उन्हें आसपास का कुछ पता ही नहीं होता। वो नाचते हैं तो उनके आसपास कोई नहीं होता, ना आदमी ना औरत। वो वहां हो ही नहीं सकते, वो ऐसा नाचते हैं। तो जब उन्होंने इस नए नृत्य के बारे में सुना जहां रस बह रहा है, तो वो देखना चाहते थे। वो यमुना के तट पर पहुंचे और वो नदी पार करना चाहते थे। एक नाविक ने, जो वहीं मौजूद था, उसने देखा, क्योंकि शिव एक पुरुष हैं, शायद नहीं, शिव ही धरती के सबसे फिट देव हैं। योग विद्या में, योग संस्कृति में कहते हैं कि वो 9 फिट लंबे थे। इसकी वजह यह है कि जब वे नीचे दक्षिण की ओर आए, दक्षिण भारत में, तो कहते हैं कि वो एक औसत औरत से 2 गुने लंबे थे। तो आमतौर पर उस समय दक्षिण भारत में औरतों का कद 4.5 से 5 फुट के बीच था, तो यह माना जाता है कि वो 8.5 से 9 फुट के बीच थे। तो वे एक पुरुष हैं, पूरे पुरुष, परम पुरुष। तो नाविक उन्हें देखकर बोला, आप बहुत ज्यादा ही पुरुष हैं, आप रास में ऐसे नहीं जा सकते। वहां बस एक ही पुरुष है, सिर्फ एक, वहां कृष्ण ही पुरुष हैं। इस तरह का आदमी वहां नहीं जा सकता। शिव बोले, तो अब मैं क्या करूं? वो बोला, कम से कम औरतों के कपड़े पहनकर जाइए। वो बोले, क्या मैं औरतों के कपड़े पहनकर जाऊं? वो बोला, वरना आप रास में नहीं जा सकते। तब वो बोले, अब मुझे औरतों के कपड़े कहां मिलेंगे? तब वो नाविक बोला, मैं अपनी पत्नी से कहता हूं, वो आपको अपने कपड़े दे देगी, आप उन्हें पहने और जाएं। रास में सही तरीके से हिस्सा लीजिए, एक स्त्री गुण की तरह, ना कि पुरुष गुण की तरह। तो शिव ने नाविक की पत्नी के कपड़े उधार लेने का फैसला किया, जो उसने पहने हुए थे। मेरा मतलब, वो एक गरीब परिवार था। शिव ने देखा कि ये दूसरे जोड़ी कपड़े भी नहीं है। उसने वो कपड़े पहनने के लिए कहा था जो उस स्त्री ने पहने हुए थे। कहीं कहीं बड़ी सुंदर पेंटिंग्स हैं, शायद ये मधुबनी पेंटिंग्स हैं, जिनमें एक स्त्री का हाथ दरवाजे से बाहर है और शिव ऐसे कपड़े ले रहे हैं और रास में जाते हैं। ये कहानी कृष्ण के गुणगान करते हुए हमें ये बताती है कि अगर आपको रास को जानना है, तो आपको स्त्री गुण को जानना होगा, नहीं तो आप रास नहीं जान पाएंगे। ये प्रकृति, ये स्त्री गुण की सबसे बड़ी तारीफ है, समझे आप? ये स्त्री गुण की सबसे शानदार तारीफ है। स्त्री नहीं, स्त्री गुण, क्योंकि इस संस्कृति में हमने हमेशा समझा है कि जीवन सिर्फ तभी सुंदर होगा जब पुरुष और स्त्री गुण की भूमिका बराबर हो। Today we are building a world where feminine is being massacred. आज हम ऐसी दुनिया बना रहे हैं जिसमें स्त्री गुण खत्म किया जा रहा है। आज सफल होने के लिए औरत को आदमी जैसा बनना पड़ता है, वरना कोई चांस नहीं है कि वो आज की दुनिया में सफल हो पाएगी। स्त्री गुण का खून किया जा रहा है। आप देखिए, ये हो रहा है। आप दुनिया में कहीं भी जाएं, अब सामान्य बातचीत में भी लोग बिल्कुल पहले जैसी बातें नहीं करते। अब वो मौसम की भी बातें नहीं करते जैसे पहले करते थे। आज दुनिया का हर बेवकूफ एक ही बात कर रहा है, इकोनॉमी। हाँ, कहीं भी जाएं, इकोनॉमी का क्या हाल है, शेयर मार्केट कैसा चल रहा है, कोई मानसून के बारे में भी नहीं पूछ रहा है। सभी सिर्फ अर्थव्यवस्था और शेयर मार्केट की बातें कर रहे हैं। इसका मतलब पुरुष प्रकृति हावी हो गई है, जीवन यापन सबसे बड़ी चीज बन गई है। एक सरल सी चीज, इकोनॉमी का मतलब क्या है?
सिंपल सर्वाइवल, बस जीवन यापन है ना, जीवन यापन के पेचीदा तरीके, हाँ है ना, जीवन यापन का प्रोसेस, भोजन कैसे मिलेगा, ये कैसे करें, वो कैसे करें, कैसे कुछ बना लें, ये जीवन यापन हुआ, घर बनाना, खाना, कपड़े पहनना, थोड़ी खरीदारी करना, ये जीवन यापन है ना। अब हम बस जीवन यापन की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री गुण काफी हद तक दूर कर दिया गया है, कम से कम घरों में इसे रखें, बाहर समाज में तो ये काफी हद तक खत्म है, पुरुष गुण ही सब कुछ है। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है, यहां उनका संदेश ही ये है, वो ये कह रहे हैं कि अगर समाज में स्त्री गुण ना हो तो असल में जीवन भी नहीं होगा। हम आदमी औरतों की बातें नहीं कर रहे हैं, हम नर मादा की बात नहीं कर रहे हैं, हम दो मूल गुणों की बात कर रहे हैं, पुरुष गुण और स्त्री गुण। तो कृष्ण का जीवन स्त्री प्रकृति का उत्सव है, क्योंकि पुरुष प्रकृति तो हर हाल में जाहिर होगी, यही उसका स्वभाव है, पर स्त्री प्रकृति को पोषित करना होगा, वरना वो खत्म हो जाएगी। चट्टानें वैसे भी होंगी पर फूल नहीं होंगे, हमें उन्हें पोषित करना होगा, है ना। हाँ, धरती पर चट्टानें वैसे भी होंगी, मौसम कैसा भी हो, तापमान कुछ भी हो, चट्टानें हमेशा होंगी, फूलों को देखभाल चाहिए, देखभाल नहीं होगी तो कोई फूल नहीं बचेगा। चट्टानों से आप कुछ बना सकते हैं, फूलों से आप क्या बनाएंगे, कुछ नहीं। बात बस इतनी सी है कि जीवन में काम आना ही सब कुछ नहीं होता,